Respect guardians and all the viewers, myself Vijay Mishra as a teacher of Sanjaybir High School, Standard 1, Hindi teacher. So, my dear students, मैं आप लोग को मालूम है कि मैंने आप लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 16 पढ़ा चुका हूँ, वही करता हुआ भी पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 16 भी पढ़ा चुका हूँ. चैप्टर 16 में आपका था आपका मेमना, नन्ना, मेमना, वो मैं पढ़ा चुका हूँ. उसके बाद मैं जो है चैप्टर नंबर 17, वही मेरी कक्षा. तो आज मैं उसके बारे में खाली उसमें चित्र हैं, कुछ लिखा नहीं हुआ है, जिसको थोड़ा थोड़ा बहुत समझाऊँगा. और उसका मैंने कुछ हार्ड कॉपी बनाया हूँ, जो कि उस हार्ड कॉपी को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और लिखना भी है आपका स्कूल के कॉपी में. सो समय नष्ट ना करते हुए निकलते हैं, क्योंकि बहुत कम से बाकी हम लोग को हाफ ईयर एग्ज़ाम है, बहुत नज़दीक हाफ ईयर एग्ज़ाम हम लोग फेस करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. ये हमारे स्टैंडर्ड 1 की किताब नई दिशा, जो कि मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, जो चैप्टर नंबर आपका है 17, मेरी कक्षा. ये मेरी कक्षा में देखो, यहाँ पर कुछ चित्र बनाया गया है, जो कि ये चित्र का जो है वो एक कक्षा की चित्र है, कक्षा के चित्र है, जो कि इसमें देखो बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं अपने गुरु माता के सामने, और गुरु माता कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, और वो बच्चे एक दो करके समझ रहे हैं और उनका सही उत्तर भी दे रहे हैं. इस किताब में, इस पिक्चर में देखो बहुत सारे है. देखो यहाँ पर देखो सैंपट है, जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड कहते हैं, ये ट्यूबलाइट है. यहाँ पर देखो एक तो दीवार पर लटकाया हुआ एक कलर का चित्र लटकाया गया है, रंगों का चित्र. यहाँ पर देखो आपका फॉलो का भी स्टिकर सटाया गया, दीवार पर टंगा गया है. यहाँ पर देखो जो आपका जंगली पशु जिन से प्राणी है उनके फोटो में यहाँ पर एक किया गया है. तो यहाँ पर देखो और भी बहुत सारा कुछ है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो सर में जो गुरु माता पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो कि हाथ उठा रहे हैं, समझ रहे हैं. और तो भी देखो यहाँ पर, यहाँ पर एक तो चित्र है जिसमें देखो तो नदी है, नदी में एक तो नाव है, नाव के नाविक नाव चला रहे हैं. तो यहाँ पर पेड़ भी है. तो इस तरह से इसका पहचान है, क्योंकि ये आपका स्कूल का एक कक्षा है. कक्षा के जो अंदर जो होना चाहिए, जैसे कि तो पंखा भी है, फैन चलता है तो ठंडा हवा के लिए, जो गर्मी के मौसम में ज़रूरत है. तो इस तरह से इस कक्षा में क्या क्या होना चाहिए. और तो देखो यहाँ पर देखो एक तो डस्टबिन भी है, जिसे कहते हैं कि आपका कूड़ेदान, जो कि को जो अनयूज सामान है उसको इसमें डालने के लिए. तो इस तरह सब सामान जो है, जो कि एक तो क्लास में होना चाहिए, वो आपका एक तो सब कुछ इसमें दिखाया गया है. और इसमें कुछ भी नहीं है तो नेक्स्ट पेज में क्या दिखा. इसमें तो अभ्यास पाठ है जो है, इसमें आपको लिखा गया कि बताइए बच्चों, क्या आपको अपनी कक्षा अच्छी लगती है, हाँ या ना में उत्तर देना. उसके बाद आप घर में कक्षा में क्या करने जाते हैं, आते हैं, तो इसके बाद पढ़ने या सोने, जो आपको लगे वो लिखना, बस सही लिखना. जंगल का राजा कौन होता है, भालू या शेर, जो भी है उसको लिखना. उसके बाद देखो क्या चित्र में जंगल का राजा दिखाई दे रहा है. तो यहाँ देखो जंगल का राजा दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ या ना में लिखना है. तो यहाँ पर चित्र है, चित्र में देखो जंगल राजा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखो अच्छे तरह से हाँ जंगल राजा है. उसी तरह से आपका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर भी है, चित्र में कौन कौन से फल है, उसके बाद देखो इनमें से कौन सा फल खट्टा होता है, इनमें से देखो वो देखो यहाँ पर कितना सारा फल है, बताओ तो इसमें से कोई फल है जो खट्टा लगता है, नहीं ना लगता ना आपको. ये देखो यहाँ पर सेब है, उसका आम है, उसका बाद आपको देखो ये प्यारा है, उसका बाद नारियल है, अनार है, पपीता है, इसमें से खट्टा कौन लगता है. यदि आम कच्चा रहे तब खट्टा लगता है, पर ये आम पक्का हुआ आम लग रहा है, कच्चा नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मीठा है. तो यहाँ पर फल कोई जो है मीठा नहीं, खट्टा नहीं है, तो ना ही के लिखना है. जैसे यहाँ पर देखो मैंने प्रश्न उत्तर में लिखा हूँ, चित्र में कौन कौन से फल है, तो वो चित्र में अनेक अनेक फल है, उनमें से सेव, अनार, पपीता, नारियल वगैरह वगैरह है. तो इस तरह से मैंने सब कुछ आपको हार्ड कॉपी में बना दिया हूँ, इसको आप अच्छी तरह से अपना लिख लेना. तो मेन चीज़ क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हार्ड कॉपी जो तो दिया हूँ सब आपको करना है. यहाँ पे देखो पेज 3 में कुछ चीज़ लिखा हुआ है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में, मात्राएँ को पहचान
कर लिखो। जैसे कि यहाँ परमात्मा को पहचान कर लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये तो आ लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका आ की आ के मात्रा देना है, यहाँ पर नहीं तो आपका आ छोटी बड़ी पर लिखा होगा तो मात्रा से मात्रा को पहचान मिलाओ इस तरह से। उसके बाद दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द ये है शब्दों को तोड़कर और जोड़कर लिखो, ये आपका एग्जाम आने वाला। उसके बाद देखो आ आ की मात्रा से लेकर ओ की मात्रा तक आपका चार चार शब्द लिखो। उसके बाद देखो लिखा हुआ है चार नंबर पेज नंबर 14, 17, 18, 21, 22, 24, 25। उसके बाद आपका देखो ये जो है इसको आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना है बुक से, और जो चैप्टर 16 और 17 जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चाहूँ इसको प्रैक्टिस करना है, इसी के अंदर से आपको एग्जाम में आएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।